वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक, न्यू टेक्स्ट बुक मृदंग, और इसमें आज हम करेंगे इसकी एक पोएम द क्रो। तो चलिए इसको रिसाइट कर लेते हैं, फिर इसका मतलब समझ लेते हैं। देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो, कलरफुल फीदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो, ही फाउंड वन पीकॉक फीदर ही स्टक इन इट हिज टेल, देन ही फाउंड अनोदर ही पिक्ड अप ऑल विंडो फेल, ही स्टक देम इन हिज विंग्स पुट ऑन वन हिज हेड, आई एम नाउ ब्यूटिफुल ही डांस्ड एंड सेड, द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, ओह व्हाट अ फूल यू आर ब्यूटिफुल इन ब्लैक, वी लव यू फॉर व्हाट यू आर। तो ये थी हमारी पोएम जिसको हमने पढ़ लिया। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक पोएम है किसके बारे में, क्रो के बारे में, जो क्या होना चाहता है, ब्यूटीफुल होना चाह रहा है, उसके बारे में है। तो देर वंस वाज अ क्रो, एक बार की बात है, एक क्रो था। क्रो जानते हैं आप सभी को, जिसको कौवा बोलते हैं, ये क्रो है। ही वॉज ब्लैक, और सभी को पता है कौवे का, क्रो का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, एज यू नो, जैसा कि आप सब जानते हैं। हाउ टू बी ब्यूटीफुल ही वॉन्टेड नो, और वो चाहता था कि, वो जानना चाहता था कि कैसे ब्यूटीफुल हों। कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो, और वो चाहता था कि जो पीकॉक होता है उसी की तरह उसके कलरफुल फेदर्स हो जाएँ, पंख हो जाएँ। ही फाउंड वन पीकॉक फीदर्स, फिर उसको क्या दिखा, एक बार उसको मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे क्या दिखा, पीकॉक के, मोर के फीदर्स, पंख दिखे। ही स्टक इन इट इन हिज टेल, और उसने क्या किया, उन सभी को उसने अपने टेल में, पूछ में लगा लिया। देन ही फाउंड अनोदर, तब फिर क्या मिला उसे, दूसरा जब मिला उसको भी लगा लिया। ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल, और उन सभी को उसने क्या किया, उन सभी को उठा लिया। ही स्टक देम हिज विंग्स, और फिर उसने क्या किया, उसको अपने विंग्स में, पंखों में उनको लगा दिया। पुट वन ऑन हिज हेड, एक उसने अपने सिर पर लगाया। आई एम नाउ ब्यूटिफुल, और वो बोलता है कि मैं क्या हूँ, अब मैं ब्यूटिफुल हो गया हूँ, खूबसूरत हो गया हूँ। ही डांस एंड सेड, वो डांस करने लगा और सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, गा गा कर, नाच नाच कर बताने लगा। द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, जो दूसरे क्रोज थे वो क्या करने लगे, उस पर हंसने लगे। ओह व्हाट अ फूल यू आर, और वो बोलते हैं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, तुम तो केवल ब्लैक में ही अच्छे लगते हो, वी लव यू फॉर व्हाट यू आर, मैं तुम्हें वैसे ही, हम तुम लोग वैसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो, तुम्हें क्या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पंख लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो क्रो होता है उसका कलर ब्लैक होता है, और ब्लैक में वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है। हम तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि जो भी हम जैसे होते हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, किसी दूसरे की क्या करनी चाहिए, कॉपी नहीं करनी चाहिए, हम अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं जैसे भी हैं। तो चलिए अब इसमें जो साइट वर्ड्स आए हैं, साइट वर्ड्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स हमारी आंखों के सामने मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं उनको साइट वर्ड्स बोलते हैं। तो ये हैं वंस, एज, हाउ, टू, वन, बी, नाउ, एट, ऑल, इट, ये सारे साइट वर्ड्स हो गए। फिर हैं न्यू वर्ड्स, कलरफुल, कलरफुल के मतलब होता है रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, तरह तरह के रंग। फिर फीदर्स, फीदर्स का मतलब होता है पंख। फिर विंग्स, विंग्स का भी मतलब होता है पंख। पिक्ड, पिक्ड मीन्स उठाना। फूल मीन्स मूर्ख। लव मीन्स प्यार करना। ब्यूटीफुल सुंदर। पीकॉक का मतलब मोर होता है, एक बर्ड, अनदर दूसरा। तो ये वर्ड मीनिंग हो गए। फिर आगे देखते हैं, लेट अस स्पीक, विच वर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि आपके आसपास या आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास कौन सी बर्ड आपको दिखती है, तो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आई कैन सी बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, स्पैरो एंड पीकॉक नियर
माई स्कूल। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो, आपको क्रो में क्या अच्छा लगता है, तो उसको बताना है। आई लाइक द ब्लैक कलर ऑफ क्रो। नेक्स्ट है, लेट अस राइट, कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स, राइट द नेम देयर नेम, आपको इन बर्ड्स को पहचानना है और इनका नाम लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ये है डक, ये है पैरट, पैरट ये है स्पैरो, पीकॉक, पीकॉक हैन, और ये है, ये वाली डक नहीं है, डक ये है, और ये है स्वान। तो इनका नाम हमने देख लिया। फिर आगे है लेट अस ड्रॉ, आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड, आपको कि जो भी फेवरेट बर्ड है यहाँ पर उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। फिर है लेट अस लिसन, आपको सुनना है जो टीचर आपके बताएं, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको आंखें बंद करनी है, टीचर जो बोलेंगे आपको बोलना है, और लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स है जिससे, यू मे क्लैप फॉर ईच सिलेबल ऑफ द वर्ड, पी कॉक, पी और कॉक क्या होगा, पी कॉक मोर होता है, फी फीदर, फीदर हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, ब्यूटीफुल, कलर कलरफुल, 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 अ नो दर, अनदर, अनदर। तो इस तरह से इनको आपको आंखें बंद करके सुनना है और इन वर्ड्स को बोलना है। लास्ट, इसमें लास्ट में है लेट अस राइट, रीडिंग पार्ट है, आपको क्या करना है, रीड द वर्ड्स इन कॉलम ए, कॉलम ए में कुछ वर्ड्स थे उनको पढ़ना है, कंप्लीट द वर्ड इन द कॉलम बी दैट राइम्स, और बी में कुछ वर्ड्स दिए गए उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है राइमिंग वर्ड्स को। तो जैसे इसमें क्रो के लिए ग्रो का राइमिंग वर्ड है क्रो, ऐसे बताना है, कैरेट का क्या होगा, पैरट, यहाँ पैरट हो जाएगा, पेन का क्या होगा, हैन, एरो का क्या होगा, स्पैरो, फिर ब्लॉक का क्या होगा, पीकॉक, पीकॉक। तो इस तरह से हमने इसको पूरा करना था जिसमें ये राइमिंग वर्ड बन जाएं और साथ में बर्ड्स भी बन जाएं। इसके बाद देखते हैं, मेक द सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड फॉर ईच बॉक्स, राइट सेंटेंस इन ब्लैक ब्लैंक गिवन बिलो। तो ये सारे के सारे हमको क्या करना है, इनसे हमें ये जो वर्ड्स दिए गए इनसे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए, टुडे रजनी विल गो टू पार्क, अब यहाँ पर आगे करना है, टुडे आई विल गो टू माय विलेज, इसका हो गया। फिर देखते हैं दूसरे का वी, टुडे वी विल गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल। फिर है शी, टुडे शी विल गो टू अ फार्म, टुडे हरीश विल गो टू अ थिएटर। तो इस तरह से आपको क्या करना था, सेंटेंस बनाना था, सब में क्या आ रहा था, विल आ रहा है, विल गो आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की पोएम द क्रो, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, इस पोएम का मीनिंग समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।